तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ बांग्लादेश के ढाका में और ढाका की रेलवे कैसी है आज के इस वीडियो में हम जाएंगे ढाका का रेलवे देखने के लिए। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ना, इस तरफ ये रेलवे लाइन है। ढाका का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कमलापुर। तो कमलापुर यहाँ से कोई 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे जाते हैं और आपको ट्रेन में बैठ करके हम ट्रेन जर्नी करते हैं, कैसा स्टेशन है सबसे बड़ा स्टेशन, कैसे टिकट मिलती हैं, ये सब कुछ, इंडिया की रेलवे कैसी है और इसकी यहाँ की रेलवे कैसी है। तो अभी चलते हैं हम ढाका के कमलापुर रेलवे स्टेशन पे। 3-4 किलोमीटर है तो यहाँ से ये साइकिल वाला रिक्शा ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा, है ना। तो चलते हैं, इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ये देख लो भाई, स्टेशन की झलक आ गई है कि रेलवे पटरियां आ गई है और अभी एक ट्रेन भी इधर गई है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पता है, जैसे ही ट्रेन आधी निकली अभी, बस जैसे यहाँ पे कोच जा रहा है ना, पीछे से सब खुल जाएगा, इतना फास्ट काम है। हमारे यहाँ कम से कम 1 मिनट लगती है और सब हॉर्न बजाते हैं तब जाके खोलते हैं। तो यहाँ पे काम धमाधम वाला है यार। ट्रेन यहाँ पे जा रही है, मतलब कोई अगर जल्दी निकले तो ट्रेन के पीछे भी अड़ सकता है। देख पा रहे भाई, इस ब्रिज का सिस्टम देखिए भाई, ये वो जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे जॉइंट लगा है, मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम है ये ब्रिज का। पूरा स्लैब इधर उधर हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े ना तो। देखो यहाँ पे, देखो बड़ा सा जॉइंट लगा हुआ है। हर गाड़ी के पीछे बम्पर लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो कार तो फिर भी अच्छी दिख रही है, लेकिन जो बस है ना भाई, बस तो पूरी घिसी हुई है, एक दूसरी बस रगड़ते हुए चलती है, मुंह बाहर निकाल लिया मतलब मुंह ही चला जाएगा। तो यहाँ पे हर कार पे देखो तो बम्पर लगा हुआ है, ये बम्पर का बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, बहुत, जो बस है ना भाई, आपको बंदी पर दिखाएंगे आगे, पूरी घस गई है, मतलब इतना कैसे वो करते हैं, घिसी हुई नहीं, घिसते हुए बस दिखाएंगे, घिसते हुए बस दिखाएंगे। कल जाएंगे घिसे, कल स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे बस कैसे घिसते हैं, यहाँ पे घिसते हैं, मतलब इतनी घसी हुई रहेगी ना, आप देखोगे बस, कोई भी बस ऐसी नहीं है जो घिसी हुई नहीं, मतलब इसकी हालत खराब, इतनी खराब हालत में बस रहती है। और देखिए ऐसे घस कैसी हो गई कार की, देखो हर कार पे बम्पर लगा, हर कार पे, किसी भी कार पे देखो बम्पर लगे रहेंगे, बम्पर लगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अड़ अड़ के ही चलते हैं सब लोग। भाई ढाका की बात ही कुछ अलग है यार। ये ब्रिज, उसके ऊपर एक और ब्रिज है, ये वाला ब्रिज देख रहे ना, ये अभी नीचे आ रहा है, लेकिन अभी ये इसके साथ साथ डबल लाइन ब्रिज था, उसके ऊपर ब्रिज था, मतलब क्या हाईटेक सिटी लग रही है यार। इधर देखो, एक इधर ब्रिज है और एक ऊपर ब्रिज, ये ब्रिज देखो नीचे आ रहा है, इसके साथ ये ऊपर है, अभी तो बहुत हाइट थी। और बिल्डिंग है देखो, जिधर देखो सब जगह तुमको बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखेगी भाई, कसम से। रोड भी मतलब काफी साफ है, जबरदस्त है, साफ है। ये देखो भाई, ग्रीन लाइन वाली बस का ये बाड़ा है, देखो यहाँ से कोलकाता की बस चलती है ना, ग्रीन लाइन वाली डबल डेकर है, देखो उसी जगह पे हम लोग आए अभी। और एक बात आपको बताता हूँ, जितनी भी बार हम पैडल रिक्शा में बैठे हैं ना, हम लोगों ने 100 हुआ तो 150 दिया, 50 हुआ तो 70 दिया, ज़्यादा ही किया है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई, कसम से। ये लोगों की मेहनत देख करके भी हमको मतलब वो हो रहा है ना कि भाई पैसा एक्स्ट्रा देना चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 500 टका। अगर कोई मोटर वाली देते तो हम उसको बराबर देते हैं, बट अगर पैडल वाली देती है तो उसमें मेहनत बहुत लगती है। देखो भाई, अरे भाई बस घिस घिस के जा रहे थे अपने से भी, दे भाई क्या हाल है ढाका। देखिए बस ऐसी पूरी पूरी अभी दिखा दे, इस बस को देखिए पूरा पीछे से देखिए और साइड में देखो भाई, साइड में जैसे कूट कूट के बनाया है ऐसा लग रहा है। जब ये घसती होगी तो भाई चिंगारी मारी निकल जाती होगी, दो तो घसे तो पाक निकल जाएगा, पॉसिबल है। देखो आप किस के निकलेंगे, और ये बस जो है वो हाथों में ले जाती है, देखिए हमारी इंडियन कंपनी की है,
भाई ये है ढाका की डबल डेकर बस अशोक लेलैंड की। बसें सब लगभग वही है, कुछ बसें चाइना के वो वाली कंपनी है, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन लगभग इंडिया से ही है। तो अब मुझे लगता है कमलापुर रेलवे स्टेशन आ गए हैं, करीबन करीबन सामने ही बहुत सारी बसें हैं। हमारे जो रिक्शा ड्राइवर भाई साहब है ना, वो ऑलरेडी इंडिया में कुछ महीने रह करके आए, थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, श्रीनगर के आसपास पटमालू में रहते थे। तो अब चलते हैं स्टेशन पे, ये देखो भाई इसमें पंखे भी लगे, भाई देखो पंखे लगे। बाकी ये वाली बस है तो पूरी घिसी हुई है, ये नहीं घिसी है, थोड़ा थोड़ा घिसा था ये भी। फाइनली ढाका के स्टेशन पे आ चुके हैं, कमलापुर स्टेशन, और यहाँ पे देखो भाई, थैंक यू भाईजान, बहुत पसीना बहुत मेहनत किया हमारे भाई ने यार, हार्ड बहुत वर्क है यार। अब आप मोटर वाला बना दीजिए ना, कितने में पड़ता है वो, खर्चा कितना होता है? उसमें चलने के लिए नहीं रहता। अच्छा, इधर नहीं चला सकते? हाँ हाँ भैया। ये भाई यहाँ से हम लोग आए, और ये देखो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और इस तरफ शायद अंदर स्टेशन है, तो हम चलते हैं इस तरफ स्टेशन, आपको दिखाएंगे पूरा घूम घाम के कि क्या है, क्या है, टिकट लेते हैं सब कुछ, पूरी जानकारी आपको देने वाले इस वीडियो में। स्टेशन इस तरफ ट्रेन खड़ी रहती है, लास्ट स्टेशन है, इसके बाद एक लाइन इधर जाती है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेनें इधर ही जाती है। भाई वो सामने वाले गेट से हम लोग अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे देखो टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है। अब बताते टिकट, हम एक यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर स्टेशन है तेजगांव, वहाँ तक जाएंगे, चलते हैं यहाँ पे टिकट लेते हैं। अभी एक मैडम से बात किया जो इन्फॉर्मेशन काउंटर चलाती है, 4:40 पे यहाँ से ट्रेन है जमुना एक्सप्रेस, तो यहाँ से हम एयरपोर्ट तक जाते हैं उसी ट्रेन में, तो टिकट काउंटर नंबर 12 पे मिलेगी, वहाँ से लेते हैं, देखते हैं। उस तरफ देखो पूरा लाइन लगा है, दूसरी तरफ आ चुके हैं, काउंटर नंबर 12 देखो, ये पता नहीं बंगाली में लिखा है, तो वहाँ जाके फाइनली हमें ट्रेन की टिकट मिल गई, एयरपोर्ट जाएंगे यहाँ से। तो काफ़ी मुश्किल हुई क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है लोकल ट्रेन कौन सी वो कौन सी है, टीटी यहीं पे खड़े दरवाजे पे देख लीजिए, तो चलते हैं अंदर। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अब कौन सा प्लेटफॉर्म है वो पता नहीं है, सब जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे कुछ समझ में आ रहा हो तो बताओ आप, मुझे लगे ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो पता चलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 बोला है, 4 बोला सॉरी, और यहाँ पे लोग आराम कर रहे हैं सब जगह पे, और हम लोग चलते हैं अंदर। यहाँ पे बाहर तो सिक्योरिटी थी, शॉटगन लिए हुए काफ़ी पुलिस वाले थे, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है। और प्लेटफॉर्म कैसे बने हुए भाई, देखो मस्जिद के जैसे आकार दिया हुआ है, और काफ़ी लंबे लंबे हैं, देखो इधर ट्रेनें खड़ी रहती, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने दूसरा प्लेटफॉर्म है, हरा भरा है काफ़ी, गंदगी बिल्कुल नहीं है, और प्लेटफॉर्म नंबर 8 ये है। स्टेशन देखो यार कितना खूबसूरत है, इसकी ग्रीनरी और ऐसा सिस्टम दिया हुआ ना, गंदगी तो नामो निशान नहीं है, खुला खुला स्टेशन है, दोनों तरफ बहुत बड़े शेड बने हुए हैं। अपने यहाँ क्या होता है ना कि लोहे का शेड बना होता है, लेकिन यहाँ पे सीमेंट का पूरा राउंड सा डॉम बने हुए हैं, दोनों तरफ से दो दो, 1, 2, 3, 4 लाइन बनी हुई है, मतलब 8 प्लेटफॉर्म है, 8 से 10 प्लेटफॉर्म है। और जो एक्स्ट्रा ट्रेन है ना वो उधर खड़ी रहती, कबाड़ ट्रेन है उस तरफ आगे खड़ी है, देखो वहाँ पे आपको सामने दिख रही होगी, उधर कुछ सिक्योरिटी भी है। तो हम चलते हैं इस तरफ, और आपको दिखाते हैं कि जमुना एक्सप्रेस की यात्रा करवाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं हमारे, बस हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं, अनुभव करने के लिए कि बांग्लादेश की ट्रेन कैसी हो, बाद में पता चले हम जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन आज तो चले ही जाते हैं, देख लीजिए। तो ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है, ग्रीन ग्रीन, और शायद अब निकलने ही वाली है, हमारी टिकट कुछ ऐसी है, कुछ लोगों को येलो कलर की दी जा रही थी, हमको ये दी है, पता नहीं क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये देखो भाई एक इंटरसिटी है, और ये शायद यहाँ पे पेंट्री कार है, देख लीजिए, और इसके बाद पता नहीं क्या लिखा, ढाका से कहीं और जा रही है। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, नए नए कोच लग रहे हैं, लेकिन छोटे कोच है यार, जैसे मीटर गेज नहीं है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज ही है यार ये सब ट्रेन है इधर भाई, है ना, मीटर गेज और ब्रॉड गेज एक ही पटरी पे चलती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पटरी दे रखी है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे पता चल रहा है, ये एक लाइन दो लाइन मीटर गेज, लगभग ट्रेनें यही हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें ब्रॉड गेज भी है, तो सब में 3-3 पटरियाँ दे रखी है, तो इससे क्या होता है ना कि ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो जाती है। अब कुछ ट्रेनें वहाँ खड़ी हैं, देखो वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह हो रही है, तो हम भी जा सकते हैं क्या उधर, देखते हैं यार, क्योंकि लोग तो गए हुए तो हम भी जा सकते हैं ना। तो अभी एक भाई साहब सज्जनपुर से पूछा कि भाई क्या हाल है, टिकट विकेट का बताओ यार, कहाँ से ट्रेन जा रही है, तो उन्होंने बोला कि ये वाली ग्रीन वाली ट्रेन जो इंटरसिटी हम दिखाई ना उसी में बैठ जाओ,
और कोई भी ट्रेन जाएगी वो वहाँ पे रुकेगी और ये टिकट चल जाएगी। तो हम चलते हैं वहाँ, एक टीटी खड़ा है उधर से जाके पूछते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गए हैं, यहाँ से चलते हैं। अभी हम उस पे थे, देखो क्या होता है, जितना जल्दी जाते हैं वही चाहिए। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं और ये रही ट्रेन, देखो। और ये वाइट शर्ट वाला टीटी है या कोई और है, इनसे बात करते हैं ये टिकट चलती है या नहीं चलती है, और फिर हम लोग आके ट्रेन में बैठ जाते हैं। भाई क्या भीड़ है ट्रेन में, देखो भाई कितनी भीड़ है, जगह नहीं बची है, बिल्कुल खाली नहीं है, अंदर से पूरा पैकअप पैक है। और ये शायद जमुना एक्सप्रेस नहीं है तो शायद इसमें हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अंदर तो लोग फुल भरे हुए हैं। बुरे हालात है बांग्लादेश रेलवे के भाई, कसम से हम लोग अगर अंदर चले गए ना तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो सकती है। जो ट्रेन का गार्ड है ग्रीन ड्रेस पहना हो उसकी हालत देखो तो तुमको तरस आएगी यार। अंधेरा है, ना लाइट है, ना पंखा है, सब लोग इधर से उधर भाग रहे हैं और दरवाज़ा बंद कर दे रहे हैं, तो अंदर कोई जा ही नहीं सकता। मैं तो नहीं चाहूँगा कभी बांग्लादेश ट्रेन में जर्नी करना यार, कसम से, इससे बस जर्नी अच्छा है। बारी में से घुस रहे हैं, बारी में से बंदे घुस रहे हैं अंदर, देखो। सामान गिर गया अंदर, गजब कहानी है भाई बांग्लादेश रेलवे की। लोग ऐसा ठूसम ठूस चल रही है, आपको दिखाते हैं अंदर जाकर। देखो 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 देखो, भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेन है यार, बिसल बजा रहे हैं लेकिन ट्रेन तो चल नहीं रही है। लोग इधर से उधर घुसम घुसी बारी में से अंदर घुस रहे हैं, देखो कोई कांच दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा है, अंदर जा नहीं रहे, जो भी लोग घुस रहे हैं ना कांच के अंदर से अंदर घुस रहे हैं, देखो भाई क्या गजब है यार। अभी देखते हैं ये भीड़, देखो सब लोग उधर आ रहे हैं वापस फिर से, ये दरवाज़ा खोलने का बोल रहे हैं लेकिन खोल ही नहीं रहा है, ये बंदे को बोल रहे हैं अंदर जाओ तुम और अंदर से दरवाज़ा खोल दो। इनमें भी एक कोच से दूसरे में जा सकते हैं, देखो वो देखो वो देखो वो देखो घुस रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोग ऐसे घुस रहे हैं, आज को बवाल मची है जैसे लग रहा है, देखो लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, ट्रेन वापस जा रही है, आगे पीछे हो रही है, लोग बोल रहे बोल रहे हैं। भाई देखो यार हल्ला मचा रखा है लेकिन कहीं बैठने ही नहीं दे रहा कोई, देखो देखो आधे लोग चल गए चल गए चल गए, घुस गया घुस जा। डाइव लगा रहे सीधा डाइव, झापट मार दिया पुलिस। भाई हम तो घबरा गए यार, ट्रेन में नहीं बैठेंगे कसम से, मारा भाई इसको
भाई क्या भाई, चलती ट्रेन में लोग डाइव लगा रहे ऐसे कांच के अंदर से सीधा अंदर आधा बार ऐसा सीन था ना, वो एक लेडीज थी वो इतनी स्पीड में भाग के अंदर उसको खींचने ली तो गिर जाती और आगे जाते हुए एक भाई को लाफा मार के पुलिस जो होती है ना रेलवे पुलिस क्या खतरनाक तरीके से पकड़ा भाई, वो हिल गया डर लग रही मतलब भाई यहाँ से निकलो अब लगता नहीं यमुना एक्सप्रेस में बैठना चाहिए हमको सबसे इसमें वो यही है कि चुपचाप निकले बाहर ऊपर पकड़ के कहीं भी जाने तो चले जाए ट्रेन में ऐसा सीन यार अच्छे से टाइम पे बैठेंगे हैरान हो गए यार ये कोई ट्रेन यात्रा यार कसम से अभी यहाँ भी देखो तुम हमारे पीछे रेलवे पुलिस आ रही है तो हम लोग अभी भागे जा रहे हैं कैमरा वैमरा देख ले तो हमको लाफा ना मारे खतरनाक सीन है यार यहाँ पे मतलब ये तो अजीब है यार। तो भाई स्टेशन से बाहर आ गया हूँ ऑलरेडी और मैंने अगर तारीफ करी होगी ना बांग्लादेश की तो मेरी भूल हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी जो हमारी ट्रेन थी 4:45 का ऑलरेडी 5:45 हो गया ट्रेन अभी तक तो स्टेशन पे भी नहीं आई तो हम जाएंगे क्या। और ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ढाका का, क्या बवाल काट रहे भाई है भाई ये भाई तो कब से बोले थक गया मैं चलो यार नहीं जाना नहीं जाना है, मैंने फिर भी बोला मैं चलते हैं लेकिन किसी अच्छे इंसान को बोला यूनिवर्सिटी वाले को तो बोला कि भाई ट्रेन का कोई अता पता नहीं चले जाओ रुको मत भाई अगर तुमको सिर्फ घूमना है तो कभी और आ जाना, अभी की इतनी ट्रेन लेट हो गई है कि रुकोगे तो एक ही ट्रेन में सब भर जाएंगे तो मसला हो जाएगा, बैठ कैसे पाएंगे भाई डाई लगाने आएगी वो इतनी भीड़ हो गई थी अभी और जितनी भीड़ देखे थे ना उससे डबल भीड़ हो गई है अभी। चलते हैं वीडियो को माफी चाहता हूँ कि मैं नहीं जाना चाहता और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा, अगले वीडियो में अगर कभी मिला चांस तो फिर दिखा देंगे, वैसे अभी तो कोई लग रिजर्वेशन कराएंगे और क्या, लेकिन ट्रेन में बैठने दरवाजे ही बंद कर देते यार बहुत बुरा अनुभव रहा और मैं चाहता ही नहीं कि आप ट्रेन में यात्रा करो, हम तो ऐसे ही जा रहे भाई यहाँ पे पैसा खर्च करके आए थे अनुभव दिखाने के लिए लेकिन अंदर जाके फिर वापस जा रहे हैं, ये रही टिकट कोई मतलब नहीं रहा टिकट का। बांग्लादेश ट्रेन स्टेशन के बाहर देखो भाई अफरा तफरी का माहौल है।